कहानी शुरू होता है 2018 से एक्चुअली, जब एक फिल्म आया था जो जिसका नाम है केदारनाथ। वो देखने के लिए हम लोग हॉल में गए थे और आराम से देख के फिर पता नहीं फिल्म देख के इतना मोहित हो गया है कि हम लोगों को मतलब सिर पे चढ़ जाता है कि ख्याल चलो हाँ जाते हैं केदारनाथ। तो वैसा ही कुछ हम लोगों का सर दिमाग में चढ़ गया था और मुझे बस ऐसा ख्याल आया कि हाँ भाई मुझे जाना है केदारनाथ, क्योंकि इतना सुंदर जगह मैं शायद फिल्मों में देखा है, तो जो फिल्मों में देखा है तो मुझे वो रियल लाइफ में देखना है। तो 4 साल तक मैं केदारनाथ का प्लान करता ही रहा, लेकिन कुछ कारण के वश मैं केदारनाथ जा नहीं पाया। कभी कभी कोरोना का महामारी शुरू हो गया, कभी कभार वो वहाँ पे दंगा हंगामा शुरू हो गया, तो इसीलिए शायद मैं जा नहीं पाया, या फिर हो सकता है कि मुझे भगवान ने कभी बुलाया ही नहीं। 4 साल बाद जब इस साल मैं बांग्लादेश जाने के लिए प्लान कर रहा था, तभी एक ऑफिस में मैं ऐसे ही बैठा था, काम कर रहा था, अचानक एक कॉलीग आया मेरे पास और बोला कि और अपने जीवन का लाइफ का हिस्ट्री लेके बैठ गया कि लाइफ में कितना वो फ्रस्ट्रेटेड है, कितना वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ लेके बैठ गया था। और हम अपने लाइफ के बारे में ये सब कुछ ही डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ लाइफ में ना थोड़ा कुछ स्पेस चाहिए, फ्रीनेस चाहिए। तो वो सोच के हम लोग अचानक के प्लान किए हैं हाँ चलो केदारनाथ चलते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी, केदारनाथ कैसे पहुँचे, केदारनाथ में क्या किए ना किए, इसका मतलब जो भी मेरा स्टोरी है मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को उसका फील देने का कोशिश करूँगा। तो केदारनाथ का रूट्स हम लोगों का जो रूट्स था, यहाँ से हम लोग अगरतला से दिल्ली के लिए दिल्ली तक जाना था, दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से हमें सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हमें केदारनाथ तक पैदल जाना था। तो वो सोच के हम लोग पूरा केस स्टडी करने लगे और कहाँ से क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, या फिर क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, वो सब कुछ हम लोगों का प्लान शुरू हो गया था। देखो भैया अभी हमारा प्लेन छोड़ने वाले है, करीब 2-2.5 घंटे का सफर है, शायद एक छोटा सा नैप लेंगे उसके बाद दिल्ली। फ्लाइट का जर्नी सबसे बोरिंग होता है, 2.5 घंटा 2 घंटा फ्लाइट में बैठने से अच्छा है आप 10 घंटा ट्रेन पकड़ के आ जाओ, बहुत एटलीस्ट अच्छा लगता है, सबके साथ बात करते करते आ सकता है, बट फ्लाइट पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। वो वाला इसको क्या कहते हैं, वो वाला एनर्जी फील हो रहा है, वो वाला मतलब उखाड़ लूँगा फाड़ दूंगा सब कुछ कर लूँगा ऐसा वाला एनर्जी फील हो रहा है। फिलहाल हम जाएंगे आज अभी कश्मीरी गेट, वहाँ से बस पकड़ेंगे, थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे हरिद्वार के। हरिद्वार तो पहला पड़ाव था हमारा हरिद्वार। तो हमें दिल्ली से हरिद्वार जाना है और क्योंकि हम लोग काम करते करते थक गए थे, तो हमें अपने बॉडी के लिए अपने शरीर के लिए हरिद्वार में एक दिन बिताना था, ताकि बॉडी फुल तरीके से रेस्ट हो जाए और हम लोग दूसरे दिन केदारनाथ के ओर आराम से निकल पड़े, क्योंकि भाई केदारनाथ में हमें एटलीस्ट मिनिमम 18 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उसके लिए तो प्रिपेयर होना था ना। रात 11 बजे का बस था, तो क्योंकि ये नाइट बस है तो पहुँचते हमें सुबह हो गया, 4:30 कभी करीब 4:30 बज गए थे, और 4:30 बजे हम लोग जब हरिद्वार पहुँचे तब भी हरिद्वार का जो नज़ारा था ऐसा लग रहा था कि ना भाई वहाँ पे कोई रात ही नहीं हुआ, वहाँ पे अभी भी दिन चल रहा है।
यू नो इतना लोगों का आना गोना, इतना लोगों का तालमेल, इतना भीड़ भड़का, मतलब देख के पता नहीं चलेगा कि हाँ तुम एक एक ऐसा एक सिटी में हो जो सोता नहीं कभी। अब भाई देखो, गंगा का एक अलग ही नज़ारा होता है। ये यू नो हर एक जो आपका जो जनरली जो नदी होते हैं, जनरली जो रिवर होते हैं, उसका जो नज़ारा है उसके साथ गंगा का कोई कंपैरिजन नहीं। गंगा यू नो गंगा नदी जो है वो अलग सा है। उसका फीलिंग्स जब आप गंगा नदी गंगा किनारे बैठोगे उसका और एक कुछ अलग महसूस होता है। यू नो गंगा ऐसा एक यू नो जगह है जहाँ पे अपने दोस्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर आराम से आप चिल कर सकते हो वहाँ पे। तो गंगा किनारा हम लोग थोड़ा बहुत घूम घूम के हम लोग डिसाइड किए थे कि ऊपर जो एक मनासा मंदिर है उसमें जाएंगे और थोड़ा माथा टेक के आएंगे। तो उसके लिए हम लोग रवाना दे चुके थे करीब दोपहर को, और हालांकि चढ़ाई थोड़ा यू नो खड़ी है, उतना भी खड़ी नहीं कि हम लोग चल नहीं पाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत खड़ी है। बस हम लोग चल दिए और थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे, और सीरियसली ऊपर से जो गंगा का जो दृश्य था वो बहुत बहुत सुंदर था, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। सुना है शाम का जो आरती है गंगा का वो बहुत खूबसूरत है, तो वो देखने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे, और वो सीरियसली बहुत खूब सुंदर था। तो आप जीवन में कभी हरिद्वार जाओगे तो शाम का जो आरती है ज़रूर देख लीजिएगा। Yeah.